और ये सब कुछ चल रहा है और साथ एक बहस चल पड़ी हुई है मियाँ साहब क्या कर रहे हैं क्या मियाँ साहब अब कोई नई बयानियां कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं सो so, एक अजीब सा माहौल बन गया है इस पर थोड़ा तो सा कोशिश करते है कि जब है। है हैं कि कुछ क्लैरिटी आए हमारे साथ मौजूद है बयाल क्या यहाँ साहब सीनियर लीडर पी एम एल ए इंतजार हुसैन पंजोदा साहब सीनियर लॉयर हैं पी टी आई के पिछले दिनों तो लगता था कि सारी हवाएं आपकी तरफ जा रही हैं ठीक है ना और बड़ा जी मुआफिक हो रहा है आप लोग भी बड़े एक्साइटेड हो गए थे क्या सीन लग रहा है अब देखिए जी जो बात कर रहे हैं आपके खान साहब के केसेस के हवाले से तो हम जो भी अगर खुशी का इजहार करते हैं तो वो केसेस के हवाले से करते हैं कि आपने अगर केसेस जिनके अंदर खान साहब को अंदर जेल में बंद किया हुआ है उनकी फेट देखेंगे तो वो एक एक करके उड़ते जा रहे हैं वो इतने कमजोर केसेस हैं उनमें इतने शवाद कम है मतलब वो कोई केस ही नहीं है एविडेंस के बुनियाद पर नहीं बनाए गए वो सरासर सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए हैं तो तारीखें डाल रही हैं हम आपके वो गौर साहब आते कहते थे दो दिन बाद वो निकाह वाला केस भी बाहर होगा साइफर भी होगा अगले हफ्ते बाहर आ जाएंगे दो हफ्ते हफ्ते हम तो सुनते हैं कि एक साल तक बाहर नहीं आएंगे देखिए जी वो जो आपको नहीं आने दिया जाएगा वो टेबल जो आप सुन रहे हैं आ, वो और फैक्टर्स हैं उन पर भी हम बात करेंगे मैं सिर्फ केसेस के हवाले से बात करूंगा गौर साहब बींग वकील जो है वो चेयरमैन हमारे पार्टी के हैं लेकिन वकील वो अपना तबसरा करते रहे हैं और वो केसेस के हवाले से बात करते रहे हैं कि केसेस खत्म हो जाएंगे अब आगे ये फर्दर क्या स्टेप लेते हैं क्योंकि आपने देखा है कि 9 मई के बाद से हमेशा से ये होता है आया है तमाम लीडरशिप को कि ये एक मुकदमे के बाद दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जब ये नहीं चाहते कि ये नहीं लॉयर बताएं क्या ये लीगल राइट है कि क्यूज का कि वो हमारे से बात कर पाए हम तो चाहते हैं कि हमारे से बात हो लेकिन ये कहेंगे लोग कि ठीक है हमने शीशे की दीवार बनाई है जज साहब सुन रहे हैं वकला बोल रहे हैं मुलजि बैठा हुआ है तो ये आप लोगों से लहदा बात करने के लिए तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए हमें इतराज़ तो है कि मीडिया बात नहीं कर पा रहा नहीं कर पाएगा लीगली इस पर आप लोग इतराज़ कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं और हमने नंबर ऑफ टाइम्स किया भी है हर फोरम पे हम गए हैं बिलखसूस कोर्ट हम गए हैं हाई कोर्ट में हमने देखा कि साइफर का ट्रायल जिस तरह से दो दफा डिनो हुआ वो यही बुनियादें थी उसमें सबसे बड़ी वजह जो आपके सामने है कि वो ओपन ट्रायल नहीं था किसी भी तरह से डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो सीक्रेट जो लॉज हैं उनके मुताबिक वो चलाया गया और उनके ऊपर ही वो मबनी भी था और आज जो मुकदमा है इस वक्त ये नैब कवानीन जो आम कवानीन है उनके मुताबिक चलाया जा रहा है अगर सीक्रेट ट्रायल जो है सीक्रेट एक्ट के तहत जो सीक्रेट हमारा एक्ट है उसके मुताबिक जो केस बनाया गया उसको आप ओपन इतना कर सकते हैं कि वहाँ पे जनरल पब्लिक भी हो लॉयर्स ಯಾಕೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಭಿ ಹೋ ಔರ್ ಅಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಿ ಬಾತ್ ಯೆ ಕಮಿಡಿಯಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕರ್ ಸಕೇ ಕ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಭಿ ಓಪೆನಸ್ ಜರೂರಿ ಹೈ ಸರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ ವೈರಾ ಮೇ آپ ವಿಟ್ನೆಸ್ ನೈ ಕರ್ ಸಕತೆ ಮುಲ್ಝಿಮ್ ಸೇ ಮೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಪೂಚ್ ರಹಾ ಹೂ دیکھیے ಲೀಗಲಿ ಲೀಗಲಿ ಯೆ ಹೈ ಕ ಆಪ್ ಪ್ರोसीಡಿಂಗ್ಸ್ دیکھنے ತೋ ಕಮಸ್ ಕಮಾಯೆ ಕ ಜೋ ಜೋ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಜೋ मकसद ಹೈ ಜಬ್ ಹಮ್ನೆ ಮಾರೆ ಲೋಗೋನೆ ಇತ್ತರಾಜ್ ಕಿಯಾ तो इनको ये जी आप देखें सुने आप सुन तो रहे हैं आपको प्रॉब्लम क्या है जी देख रहे हैं ऐसे देख रहे हैं कि शीशे लगे हुए हैं शीशों की पहले दिवा, एक दीवार थी जिसके पीछे आवाज नहीं आ रही वहां मीडिया बैठ जी है। बिल्कुल हमने उनके साथ बात करने की कोशिश की उनसे पूछा क्योंकि वो बार बार शीशे नॉक करके हमसे पूछ रहे थे कि हो क्या रहा है क्या डेट हुई है क्या हो गया एक और आपको बताऊँ की खान साहब ने एक चेयर के ऊपर खड़े होकर उन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की जब ब्रेक हुई तो तब ये क्यों आ रहे हैं इतना अगर बात कर लेंगे मीडिया से बात कर लेंगे कौन सी क्या आ जाएगी यू ऑलरेडी हैव इन वे यू वॉन्ट इन अंदर है सजाएं करवा दी मीडिया को बात कर लेने दें बिफोर ये आंसर करें मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दूं कि हमारी मुलाकातों को भी इस तरह से मॉनिटर किया जाता है कि छे के छे बंदे सिर्फ अलाउड होते हैं जबकि नवाज शरीफ साहब मंगल वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक मुलाकातें किया करते थे ओपन थी जो नवाज शरीफ साहब का एक नया केस आज वो भी खत्म हो गया उन्होंने कहा है नैब ने कि जी वो गाड़ी उन्होंने पूल में डाल दी थी तो इसलिए उन्होंने तोशाखाना से नहीं ली पूल से गाड़ी ली है पूल से विदाउट ऑप्शन क्या वो एक वजी एक सबक वज़ी को गाड़ी दे सकता है तो या तो अगर खाने की ट्रीट कर रहे हैं तो फिर वो गाड़ी नहीं दे सकता और अगर पूल की गाड़ी खरीदी गई है तो वो डायरेक्टली कैसे बेच सकती है दोनों सूरतों में दोनों सूरतों में अगर आप खाना की ट्रीट करें या कि पूल की था? किसी भी सूरत में यह गाड़ी उनको नहीं दी जा सकती थी आ, रहा सवाल तो लंदन प्लान जिसे खान कहते है, उसकी आपके एग्जीक्यूशन तो लंदन में थे आज जंगल का कानून खान साहब ने आज कहा कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है और एक शेर है एक बादशाह है उस जंगल का जिसके डायरेक्शन के ऊपर नवाज शरीफ साहब और बाकी जो हमें ये पता था के हमें ये पता था कि लंदन में आप इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह पे पेस करते हैं साहब को बाकी चीजें करते हैं आप बैठ के लंदन प्लान बना रहे थे सर मैं जमात का एक कारकुन हूँ जी एंड हाँ। उसी हैसियत में मुझे हमारे पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब ने हिदायत भी दी थी और ये ऑनर बख्शा था कि आई गॉट टू वर्क विद इन डेज तो देखिए बात यह कि लंदन प्लान जिसकी बात कह रहे हैं उसके तहत तो नाव में भी लंदन प्लान के तहत हुआ था तो फिर तो लंदन प्लान बड़ा इतना मौसर है और हमारी जमात इतनी मौसर है कि हम यास्मीन राशिद साहबा को भी सड़क पर भेज देते हैं शहरियार फ्री साहब को भी हम भेज देते हैं के एक एक मेरी है बाप की मैंने बिला